हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इट्स योर ऑफिशियल। एंड यस, टुडे आई एम देयर विद यू विद यूनिट नंबर 1 ऑफ योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। टुडे वी विल सी द नेक्स्ट पार्ट ऑफ इट। टुडे वी आर गोइंग टू एंगेज इन मेनी ऑफ द कोर कॉन्सेप्ट्स ऑफ योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। सो अब से पहले तो हमने सिर्फ बेसिक चीजें पढ़ी, C++ की डेटा टाइप्स, ये वो, एरेज, पॉइंटर्स, फंक्शंस एंड ऑल। सो अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो एकदम फंडामेंटल्स टॉपिक है। एंड आई होप कि आपके कॉलेज में भी टीचर्स दे विल स्टार्ट फ्रॉम दिस टॉपिक ओनली। डायरेक्टली दे विल टीच यू अबाउट व्हाट इज क्लास, व्हाट इज ऑब्जेक्ट, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म। एंड आई होप यू आर फेमिलियर विद दिस थिंग्स। सो टुडे वी विल स्टडी अबाउट इट। द मेन थिंग्स आई विल फोकस इज योर कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। इसके जो भी थ्योरी नोट्स वगैरह होंगे दैट यू विल गेट इन SE नोट्स चैनल। इफ यू हैव नॉट ज्वाइन दैट, प्लीज गो एंड ज्वाइन दैट फर्स्ट एंड देन कम टू दिस वीडियो। सो टुडे आई विल एक्सप्लोर यू विद दीज टॉपिक्स। सी here, these are the contents, but let's see how many contents I will explain you in this video. Today I will not explain you all this content, but I will explain you some of the topics because I was also doing some work, but still I got I have to do for you all also. So this is the thing, I will explain you the concepts, the basic things, and then in next part you will get the remaining one, okay? So I hope you all are familiar with these all things. This is the content and this is the main fundamentals of your object oriented programming. As hame pata hai, we are not doing just object oriented प्रोग्रामिंग, वी आर अप्लाइंग इट इन व्हाट, C++, ठीक है। तो C++ की नॉलेज होना इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज द थिंग। जैसे मैंने पहले भी बोला था, इट इज द थिंग कि अगर आपको लैंग्वेज में बेसिक्स में अगर अच्छी आपकी पकड़ है, देन यू कैन गो इन दिस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स। बट इफ यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग अबाउट हाउ टू राइट हेलो वर्ल्ड, हाउ टू डू लूप्स, है ना, लूप्स वगैरह अगर आपको समझ में नहीं आ रहे हैं, एंड अगर आपका कुछ ऐसा है तो एक्सप्लेन किया है मैंने जितना बेसिक्स आपको चाहिए था, इफ एल्स, अरे, ये सब चीजें आपके सिलेबस में है, दे विल कम इन यूनिट 1 क्वेश्चंस, बट स्टिल आई हैव एक्सप्लेन्ड यू इन माय कोड गैलरी, ठीक है। मतलब कोड करके मैंने आपको सब कुछ एक्सप्लेन किया है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू यू दैट यू हैव टू सी ऑल द पार्ट्स फ्रॉम बेसिक्स एंड देन यू हैव टू कम ऑन दिस वीडियो, ओके। सो यहाँ पर हम नेम स्पेस के बारे में पढ़ेंगे, ऑब्जेक्ट्स, क्लासेस, डेटा मेंबर्स, बहुत इजी चीज है, मेथड्स, मैसेजेस, एंड दिस आर द टॉपिक्स विच विल आई मेक विच विल मेक हेडेक। सो दिस इज डेटा एनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन, इन्फॉर्मेशन हाइडिंग, या इसको आप डेटा हाइडिंग कह सकते हो, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म। सो दीज आर ऑल द कॉन्टेंट्स विच आर इंपॉर्टेंट इन योर ओप्स, ओके। सो द वेरी फर्स्ट टॉपिक इज नेम स्पेसेस टूडे। सो आई डोंट थिंक सो कि आपको इसके बारे में आइडिया है या नहीं, बट एक बेसिक एग्जाम्पल दूंगी एंड आप सब समझ जाओगे। दैट इज द वेरी सेकेंड लाइन ऑफ योर कोड वी आर राइटिंग फॉर C++, दैट इज यूजिंग नेम स्पेस STD, है ना, यूजिंग नेम स्पेस STD। सो वाई वी आर यूजिंग दैट नेम स्पेस, वी आर यूजिंग इट एज अ लाइब्रेरी, ठीक है। वो कोई एक लाइब्रेरी है, या फिर ऐसा समझ लो कोई एक ऐसी फाइल है जिसके अंदर सारे के सारे कोड्स प्रेजेंट है, एंड वी आर जस्ट यूजिंग दैट कोड। जैसे कि हम फंक्शंस में करते थे, फंक्शन डिक्लेयर कर देते थे, देन नेक्स्ट टाइम जब भी हमें उस फंक्शन की जरूरत पड़ती थी हम उसको कॉल कर लेते थे, एंड दैट फंक्शन जो है वो कॉल होके अपना काम कर देता था। सो दैट इज द ओनली थिंग वी आर डूइंग ओवर हियर। नेम स्पेस के बहुत सारे टाइप्स है, नेस्टेड, ये वो सब कुछ हम पढ़ेंगे, बट द मेन थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड इज कि नेम स्पेस को यूज क्यों किया जाता है। अगर मैं इसका डेफिनेशन आपको बताऊं तो वो तो आपके सामने ही है, क्या, इट इज अ डिक्लेरेटिव रीजन दैट प्रोवाइड्स अ स्कोप टू द आइडेंटिफायर्स, द नेम्स ऑफ टाइप्स, फंक्शंस, वेरिएबल्स एक्सेट्रा इनसाइड इट। बेसिकली नेम स्पेस एक स्पेशल एरिया होता है आपके कोड के अंदर दैट विल हेल्प यू ऑर्गेनाइज वेरियस एलिमेंट्स। कौन से वेरियस एलिमेंट्स मैम? सो द एलिमेंट्स आर टाइप्स, फंक्शंस, वेरिएबल्स एक्सेट्रा। तो बहुत सारे एलिमेंट्स आप कह सकते हो, टाइप्स, फंक्शंस, वेरिएबल्स होते हैं। मतलब अगर आपके एक कोड है, एक फंक्शन है एंड उसके एक लाइब्रेरी है, उसके अंदर आपके अलग अलग फंक्शंस लिखे हुए हैं, मे बी आपने जो फंक्शंस का जो नाम है वो सिमिलर कर दिया हो बिकॉज ऑफ सम रीजंस, ठीक है। तो जब वो सिमिलर कर दो तो आपको अलग नेम स्पेस को यूज करना पड़ता है, एंड दैट इज वाई द मेन रीजन ऑफ योर नेम स्पेस। बहुत सारी लाइब्रेरीज आप यूज कर रहे हो अपने कोड के अंदर, देन इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर यू ऑल कि अगर एक ही वर्ड का, अगर एक ही कीवर्ड का अलग अलग मीनिंग हो सकता है अलग अलग लाइब्रेरीज के अंदर। सो दैट इज द बेनिफिट ऑफ नेम स्पेस। अगर हम इसको यूज करते हैं तो वी विल रिड्यूस दैट कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन दीज नेम, ओके।
सो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा. इसका एक ही पर्पज है, टू ऑर्गेनाइज योर कोड इनटू अ लॉजिकल ग्रुप. या फिर आप इसको सिंपल समझो कि बिल्कुल भी आपको जो है कंफ्यूजन नहीं करवाना है कोड के अंदर, देन यू आर गोइंग टू यूज दिस थिंग. ओके, सो बस यही है सिंटैक्स वगैरह मैं अभी आपको बताऊंगी. सो जस्ट आपको एक ही, ये जो पहला वाला है ना, बस यही पॉइंट को आपको याद रखना है अगर डेफिनेशन पूछा जाए तो. अदरवाइज ये सिंटैक्स आई विल एक्सप्लेन यू दिस सिंटैक्स एंड बहुत ज्यादा इजिली आपको हर चीज को समझ में आ जाएगी. ठीक है, तो प्लीज अपना कोड एडिटर खोल लेना, व्हाटएवर मे बी योर कोड एडिटर, विजुअल स्टूडियो हो या कुछ भी हो, या फिर अगर आपके पास कुछ भी नहीं है ना, यू आर यूजिंग योर मोबाइल फोन फॉर कोडिंग, इट्स वेल, यू हैव टू जस्ट ओपन योर क्रोम ब्राउजर और एनी ऑफ द ब्राउजर, यू जस्ट हैव टू टाइप C++ ऑनलाइन कंपाइलर, यू विल गेट प्रोग्रामर्स, यू विल गेट GDB कंपाइलर एंड ऑल, जस्ट गो देयर एंड कोड व्हाट आई एम कोडिंग हियर. ओके, सो अगर आपको समझ में आ रहा है व्हाट आई एम कोडिंग एंड यू आर गेटिंग द सेम आउटपुट ओवर देयर, देन कांग्रेचुलेशंस, यू आर डूइंग द कोड परफेक्टली. बट इफ यू आर नॉट डूइंग द कोड एंड यू आर जस्ट लिसनिंग टू माय थिंग एंड यू आर जस्ट सीइंग व्हाट आई एम कोडिंग, दिस विल नॉट वर्क. प्लीज अंडरस्टैंड दिस थिंग, दिस विल नॉट वर्क बिकॉज यू हैव टू डू इट बाय योर ओन. एंड इफ यू आर नॉट एबल टू कोड इन दिस PC और इन द बाय यूजिंग योर हैंड्स, देन यू आर नॉट गोइंग टू कोड और यू आर गोइंग टू राइट इन योर पेपर, बिकॉज इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर अस, फॉर मी ऑल्सो, टू राइट द कोड बाय हैंड. मीन्स हैंड रिटन थिंग विच वी ऑलवेज डू इन एग्जाम्स. ठीक है, वी फील इजी टू कोड इन PC, बट क्योंकि सिंटैक्स वगैरह समझ में आ जाता है, बट व्हेन यू आर डूइंग एन एग्जाम, सिंटैक्स वगैरह आपको याद करवाने के लिए कोई नहीं होता है. यू जस्ट हैव टू बी मींस फोकस्ड ओवर व्हाट यू आर राइटिंग देयर. ठीक है, सो फॉर दैट पर्पज ऑल्सो एंड फॉर योर कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग ऑल्सो, आई एम टेलिंग यू, आई एम रिक्वेस्टिंग यू, प्लीज कोड विथ मी. ओके, बिकॉज आई एम टेकिंग कोड ऑफ ईच एंड एवरी स्मॉल टॉपिक विच आई थिंक दैट यू ऑल नीड गाइज, बिकॉज आई नो कि C++ प्रोग्रामिंग 80% ऑफ द स्टूडेंट्स आर देयर विच डोंट नो अबाउट वॉट हाउ आर द बेसिक्स, हाउ वी कैन प्रिंट अ सिंगल लाइक हेलो वर्ल्ड ऑल्सो. आई नो मेनी ऑफ यू विल नो दिस, बट मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स आर who don't know about C++ programming, they have just learned the basics of Python and they are feeling like we are pro in Python. So that is not the thing. In first year, you have not learned the full concepts, the full theory of your Python. You just have learned the basics. So I am telling you, please understand, because I am taking this much of parts, this many of the parts, because you have to understand each and everything. So, यहाँ पर देख लो, पार्ट वन हमारा हो गया. जितने भी पार्ट हो गए, हमने एरे पढ़ा, कंडीशनल ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ा, डेटा टाइप, जो कि बहुत ही ज्यादा सिंपल चीज है. पीपल डोंट नो अबाउट हाउ मेनी डेटा टाइप्स आर देयर, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स आर देयर. प्लीज रिमेंबर, आई हैव टोल्ड यू इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ द यूनिट, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स आर देयर. फर्स्ट इज व्हाट योर बिल्ट इन डेटा टाइप्स विच यू आर सीइंग ऑन योर स्क्रीन. Then I have explained you about derived data types which are derived from these built-in data types only. Then I have explained you about user-defined data types which are very difficult for some of the students to understand. The difference also they don't understand. So the thing is that what I have explained you, please code, then you will understand it. Okay? The very important thing is that you have to listen me carefully. And then the second important thing is that you have to code. Okay, so the thing is that, and the very important thing, you have to take all of these notes from the Telegram channel. You have to join that Telegram channel. The link is in description. Go and fill that Google form. You will get all of the important notes, not only this presentation or these all things I'm going to upload. I'm going to upload many important notes, many short notes which you can refer in your exam times. So every of the notes I will explain you over there, and every of the short video, if I want, this is a short video and this is a short trick which I want to explain to my members. So those members, I know each and every member's name who is still joined in the channel. So you will be connected with me anyhow, and you can ask any doubt to me. So that is the thing. Please go and join first that, and then come to this video, because you, that is very important, because I know the understanding is on one side and the revising and everything from notes is on the other side while exams are going on. So I'm telling you, that is for a complete year. So please go and purchase that, and the link is in description. Go fill that Google form and get it now only.
ओके सो इससे ज्यादा आई कांट टेल यू एंड आई कांट पुश अप यू मोर बिकॉज आई नो कि यू आर नॉट गेटिंग दैट मच ऑफ मोटिवेशन विच यू आर गेटिंग इन स्कूल्स एंड कॉलेजेस. दिस टाइम यू हैव टू स्टडी बाय योर ओन एंड यू हैव टू डू एवरीथिंग बाय योर ओन. Nobody is going to push up now. In colleges, they will only push up for your attendance. They will not push up for your skills. So please, please go and make your skills now. Otherwise, you will be lagging behind most of the students. So that is for all. Now coming to the topic, I've explained you all of these concepts related to user defined. Also, I've explained you about enum, every syntax from scratch. I've explained you. Then I've also explained you about the structures. This is the structure, which is very important. Again, then pointers, which is like, I don't know why people scare from this, but this is very important thing. And this is se zyada aapko इजी वे में पॉइंटर्स कोई नहीं बताएगा. इतना बस स्नैपशॉट अगर आप लेना चाहो तो ले लो. कभी भी पॉइंटर्स में आपको डिफिकल्टी हो बस इतना देख लो, इट विल बी वेरी क्लियर अगर आपने वीडियो देख के समझ लिया है तो. ओके देन आई ऑल्सो एक्सप्लेन अबाउट दिस स्विच स्टेटमेंट. दिस स्विच स्टेटमेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एज पर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. व्हाई? बिकॉज क्वेश्चन आता है कि यूज स्विच स्टेटमेंट एंड राइट अ प्रोग्राम फॉर कैलकुलेटर. ठीक है, तो दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. ओके, तो ये सारे प्रोग्राम्स अगर आपको चाहिए एंड इफ यू आर देयर माई मेंबर इन टेलीग्राम चैनल, प्लीज कमेंट मी एंड आई विल पुट ऑन द स्पॉट. सो आई जस्ट वॉन्ट द थिंग्स विच यू वॉन्ट. ठीक है, अगर आपको चाहिए होगा देन आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम इन अपलोडिंग इट. तो आई जस्ट वॉन्ट यू टू से. ओके, सो अगर आपको कुछ भी चाहिए इसके बाद देन प्लीज लेट मी नो. एंड टूडे वी विल स्टडी अबाउट दिस थिंग्स, नेम स्पेसेस. Here what I have explained, yes, here this is the namespace. I was telling you about namespace. So this is the syntax how you can write. Namespace is what? Your keyword. Namespace is your keyword. This is the namespace and you have, it means like variable name hum dete hai na, waise hi namespace ka aisa kuch naam diya hai, kuch code hum likh sakte hai. And I will explain you how you have to work with the syntax here. So open your editor and make your one file namespace.cpp. That is the thing. And now see, I hope you are seeing everything very clearly. Now I hope I have, yes, this is the okay boilerplate code for your C++. ठीक है, आप ऐसे बना सकते हो अपना भी because ज्यादा time waste होता है हमारा बार बार लिखने में वो boilerplate code. Now coming to the topic, हम कैसे लिख सकते हैं. देखो अगर मैं simply बताऊँ, ये सब नहीं भी लिखो ना, simply मैं आपको syntax बताती हूँ कि आप namespace को define कैसे करते हो. So namespace ये क्या है? आपका keyword है. देखो keyword है इसलिए उसका color बदल गया visual studio code के अंदर, right? तो namespace is what your कीवर्ड. एंड इसके बाद आप क्या कर सकते हो, आप उसका नेम लिख सकते हो. मे बी जैसे अभी मैंने पीपीटी में आपको बताया है ना, नेम स्पेस नेम ऐसे लिख लो. ओके, देन आपको कर्ली ब्रेसेस लगाने होते हैं एंड वट एवर कोड यू हैव टू डू, यू हैव टू कोड हियर. ठीक है, कोड हियर. देन अगर आप चाहो तो यहाँ पर क्या लिख सकते हो, इंट एक्स इक्वल टू 4 है ना, int x equal to 4. In this example, यहाँ पर ये name space name क्या है, ये पूरा name space name यहाँ तक क्या है, this is the name of namespace and this int x equal to 4 is a variable declared inside the namespace. समझ में आ गया, ये क्या है, एक variable है जो कि declare किया है inside the namespace. So I hope you all are understanding what I'm explaining you. This is just the syntax of a namespace. Okay, अगर मैं अभी PPT में जाऊँ तो अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि what are the types of namespaces. तो namespace का simple basic syntax हमने देख लिया. Features देखो, namespace के features देखो. First है आपका namespace, nested namespace, then using namespace जो हम usually use करते हैं, then global namespace, then standard library, standard namespace, namespaces are open. So These are all the features. ठीक है, तो एक एक करके मैं आपको सब बताऊंगी, नेस्टेड वाला एंड यूजिंग नेम स्पेस एंड ऑल. सो आई विल एक्सप्लेन यू ईच विद एग्जाम्पल. ठीक है, सो जैसी एग्जाम्पल आप देखोगे यू विल अंडरस्टैंड की वॉट इजी स्टफ यू आर लर्निंग टूडे. सो यहाँ पर आ जाते हैं एंड आई विल एक्सप्लेन यू अबाउट नेस्टेड नेम स्पेस. ओके, नेस्टेड नेम स्पेस. सो हियर वॉट आई विल सी, लिसन टू माई वर्ड्स केयरफुली. नेस्टेड नेम स्पेस का मतलब क्या है?
इट मीन्स यू कैन हैव वन नेम स्पेस इन साइड द अनदर. नेस्टेड का एक ही मतलब है पूरे कोडिंग के अंदर, चाहे आप इफ की बात करो, चाहे आप फॉर लूप की बात करो. नेस्टेड अगर आ गया तो नेस्टेड फॉर लूप, नेस्टेड इफ, यानी कि एक के अंदर एक, एक ही बात है ना, एक के अंदर एक. दैट मीन्स यू हैव वन नेम स्पेस इन साइड अनदर इन दिस केस. इट हेल्प्स यू फर्दर ऑर्गेनाइज योर कोड इन टू मोर स्पेसिफिक कैटेगरीज. अगर आपको मोर स्पेसिफिक कैटेगरीज के मतलब आपको डिफाइन करना है, सो यू कैन यूज दिस नेस्टेड वन. ठीक है, तो दिस इज अ वेरी फर्स्ट फीचर ऑफ योर नेम स्पेस इन सी प्लस प्लस. मैं आपको इसका एग्जाम्पल बताऊं. देखो, सबसे पहले तो हमें क्या लिखना होता है, हमें लिखना होता है नेम स्पेस, कीवर्ड लिख दिया, एंड देन हमें क्या देना होता है, उसको नाम देना होता है. तो अगर सपोज मैंने, मुझे दो बनाने हैं, एंड वॉट, यस आई हैव मेड दिस ओके आउटर नेम स्पेस. तो ये मैंने अपना नाम रख दिया पहली वाली नेम स्पेस का, एंड देन मैंने जो कर्ली ब्रेसेस बना दिए. अगेन नाउ व्हाट आई वांट अगेन अ डिफरेंट नेम स्पेस. सो हियर आई कैन डिफाइन दैट टू. यहाँ पर मैंने लिखा नेम स्पेस, दैट इज माई कीवर्ड, एंड नाउ आई कैन गिव डिफरेंट नेम फॉर माई डिफरेंट नेम स्पेस. ओके, सो दिस इज द थिंग, इनर नेम स्पेस. ओके, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस. इधर यहाँ पर एन को जो है मैं कैपिटल कर दू, इनर नेम स्पेस. ओके, सो दिस इज द थिंग, एंड अगेन आप इसको ऐसे ही डिफाइन कर सकते हो. इसके अंदर अब मैं चाहूँ तो मैं लिख सकती हूँ इंट एक्स इक्वल टू फोर. समझ में आ गया? सो ये इसके अंदर मतलब ये क्या है, एक बेसिक सिंटैक्स है फॉर योर नेस्टेड नेम स्पेस, फॉर योर नेस्टेड नेम स्पेस. तो अगर ये एक नेम स्पेस है एंड ये एक नेम स्पेस है, सो ऐसा आपको कुछ आउट मतलब ऐसा आपको सिंटैक्स बनाना होगा. ठीक है, सो जस्ट आई एम एक्सप्लेनिंग यू सिंटैक्स, एंड आपको एग्जाम्पल में भी, आपके अगर पेपर में आ जाए तो जस्ट यू हैव टू एक्सप्लेन द सिंटैक्स ओनली. सेकेंड हमने देखा क्या, यूजिंग नेम स्पेस. तो यूजिंग नेम स्पेस का भी मैं आपको बता देती हूँ. Using namespace, तो using namespace क्या करता है, ये allow करता है that you, allows you to use the content of a namespace without needing to prefix them with the namespace name each time. यानी कि हम हमेशा, देखो मैं अभी आपको लिख के दिखाती हूँ, हम हमेशा क्या use करते हैं, using namespace std, है ना, using namespace std, ये ऐसी चीज use करते हैं, है ना. इसके बाद अगर मैं see out कर दूँ, let this क्या, hello वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड, सो और हेलो वर्ल्ड, दिस इज द स्टफ विच आई हैव रिटन इन सी आउट. इसके बाद अगर आपको ऐसा ही लिखना है, बट वॉट यू हैव टू डू, देखो यूजिंग नेम स्पेस, एंड यहाँ पर अगर आपने ये नहीं लिखा, सपोज यू आर नॉट यूजिंग दिस इन योर स्टार्टिंग ऑफ योर प्रोग्राम, देन आपको क्या करना पड़ेगा, हमेशा ये सी आउट से पहले आपको ये एसटीडी और स्कोप रेजोल्यूशन ये लगाना पड़ेगा. अगर आपको ये वाली फंक्शनैलिटी नेम स्पेस के अंदर की यूज करनी है, तो आप एक ही लाइन में बाय यूजिंग नेम स्पेस इस पूरे को यूज कर दो, डिफाइन कर दो इन स्टार्टिंग ऑफ योर कोड, देन यू डोंट नीड टू स्पेसिफाई दिस एसटीडी देन स्कोप रेजोल्यूशन एवरी टाइम. देखो जब भी आपको सी आउट सी इन यानी आउटपुट इनपुट वाला काम करना होगा अपने सी प्लस प्लस के अंदर, दैट टाइम यू हैव टू राइट दिस सी आउट एंड सी इन वाला स्टेटमेंट, एंड दैट स्टेटमेंट, दिस कीवर्ड बिलोंग्स टू नेम स्पेस लाइब्रेरी. एंड जब तक उस लाइब्रेरी को आप एक्सेस नहीं कर पाओगे, दैट तब तक आप उसके अंदर की चीजों को यूज नहीं कर पाओगे. सी आउट सी इन वर्क ही नहीं करेगा अगर आप नेम स्पेस यूज नहीं करोगे. इफ यू डोंट हैव टू राइट दिस यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, यू कैन राइट दिस एसटीडी स्कोप रेजोल्यूशन. बट अगर आपको ये एसटीडी स्कोप रेजोल्यूशन नहीं मतलब ये लिखना होगा ना एसटीडी स्कोप रेजोल्यूशन, तो आपको ये हर सी आउट सी इन स्टेटमेंट के बाद लिखना होगा. दैट इज ऑल्सो द परफेक्ट वे, बट द मोर फिजिबल वे इज राइटिंग दिस स्टेटमेंट. ओके, सो दैट इज योर यूजिंग नेम स्पेस वाला थिंग. ओके, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग द सिंटैक्स. देन यू हैव दिस ग्लोबल नेम स्पेस. ठीक है, थर्ड यही था, इसका बता दूं आपको. तो ग्लोबल नेम स्पेस क्या है, ये एक डिफॉल्ट नेम स्पेस है. ठीक है, फॉर every code or for all code that isn't explicitly placed into a namespace. यानी कि अगर आपने उसको namespace के अंदर नहीं भी डाला है, तो एक global namespace है जो कि by default namespace है जो कि present होती है. ठीक है, इट्स लाइक अ टॉप लेवल नेम स्पेस, आप उसको समझ सकते हो. जस्ट आपको अगर क्या लिखना है, जस्ट आपने ये लिखा है int x equal to 4. int x equal to 4, तो this is nothing but your global namespace. That's it. ठीक है, सो आई होप आपको सिंटैक्स समझ में आ रहा है, आपको कंसेप्ट समझ में आ रहा है. उसके बाद क्या है, उसके बाद देख लेते हैं, हमने तीन देख लिए, और कौन से थे,
नेस्टेड हो गया, यूजिंग हो गया, ग्लोबल हो गया. देन स्टैंडर्ड लाइब्रेरी, देखो मैं इसको कॉपी कर लूं, स्टैंडर्ड लाइब्रेरी, स्टैंडर्ड नेम स्पेस. तो ये क्या है इसको देख लेते हैं. यार यहाँ पर दिस इज द थिंग, स्टैंडर्ड लाइब्रेरी, स्टैंडर्ड नेम स्पेस. तो ये क्या है, स्टैंडर्ड नेम स्पेस इज यूज बाय सी प्लस प्लस स्टैंडर्ड लाइब्रेरी. समझ में आ गया, सी प्लस प्लस स्टैंडर्ड लाइब्रेरी जो है यूज करती है स्टैंडर्ड नेम स्पेस. इट कंटेन्स कॉमन फंक्शन जो कि मैंने अभी आपको बताया, ऑब्जेक्ट्स हो जाए, टाइप्स लाइक सी आउट हो गया, सी इन हो गया, स्ट्रिंग वेक्टर, ऐसी सारी चीजें हमारी स्टैंडर्ड लाइब्रेरी एसटीडी नेम स्पेस के अंदर प्रेजेंट होती है. ठीक है, तो आप चाहो तो यूजिंग नेम स्पेस वाला चीज यूज कर सकते हो, अदरवाइज जो मैंने आपको बताया स्टैंडर्ड एंड देन स्कोप रेजोल्यूशन, दिस इज द मेन थिंग विच कम्स इन योर स्टैंडर्ड लाइब्रेरी. एंड यहाँ पर सपोज वेक्टर जो है, वेक्टर भी आपका जो है नेम स्पेस के अंदर प्रेजेंट होता है. ठीक है, तो अगर आपको वेक्टर को चाहिए देन यू हैव टू राइट दिस, ऐसा कुछ सिंटैक्स होता है उसका. ठीक है, एंड लाइक दिस यू हैव टू डू. ओके, देन यहाँ पर नंबर्स मे बी एनी नंबर, सो दिस इज द परफेक्ट सिंटैक्स फॉर योर स्टैंडर्ड लाइब्रेरी स्टैंडर्ड नेम स्पेस. समझ में नहीं आया है तो बस इतना समझ लो कि स्टैंडर्ड स्कोप रेजोल्यूशन हम यूज करते हैं. एंड वॉट वी राइट एनी, वी यूज एनी ऑफ द टाइप विच इज प्रेजेंट इन नेम स्पेस, जैसे कि वैक्टर हो सकता है, सी आउट हो सकता है, स्ट्रिंग हो सकता है, एंड कोई भी आपका जो कॉमन फंक्शन है लाइक ऑब्जेक्ट्स वगैरह वो सब इसके अंदर आ सकते हैं. सो यू कैन यूज इट. समझ में आ गया, आई होप समझ में आ गया होगा यहां तक. एंड द लास्ट वाला कौन सा था, नेम स्पेस आर ओपन, राइट, नेम स्पेस, नेम स्पेसेस आर ओपन. ये क्या चीज है, नेम स्पेसेस आर ओपन वाली चीज क्या है. ग्लोबल नेम स्पेस तो हमने देख लिया, ग्लोबल नेम स्पेस में क्या था, सिर्फ इतना था, है ना, मतलब सिर्फ हमने क्या करना है, डिफाइन करना है, एंड जो ग्लोबल डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट है नेम स्पेस वो उसके ऊपर वर्क कर जाती है. नेम स्पेसेस आर ओपन का मतलब क्या है, दिस मीन्स यू कैन एड टू अ नेम स्पेस इवन आफ्टर इट्स बीन डिफाइंड. समझ में आया नहीं आया ना, देखो मैं अभी आपको लिख के दिखाती हूँ. तो सबसे पहले मैंने कीवर्ड लिख दिया, देन माय नेम स्पेस, ठीक है, देन यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस, वही जो मेरा फर्स्ट वाला था, इंट एक्स इक्वल टू 4, ठीक है, ये लिख दिया. अब मैं इसके नीचे एक और नेम स्पेस डिफाइन कर रही हूं. ओके, एंड नाउ आई एम गिविंग दिस नेम, एंड आई एम राइटिंग दिस. कुछ समझ में आ गया मैंने क्या करा है यहाँ पे, यहाँ पर मैंने लिखा है नेम स्पेस, यहाँ पर लिखा है मैंने माई नेम स्पेस, हाँ, एंड यहाँ पर लिखा है मैंने नेम स्पेस, यहाँ पर भी लिखा है मैंने माई नेम स्पेस, लेकिन उसके अंदर का जो कंटेंट है जो कि मैंने डिक्लेयर किया है वो अलग है. इसका मतलब यही है कि आप एक ही नाम की नेम स्पेस के अंदर आप अलग अलग स्टफ डिफाइन कर सकते हो. ओके, यू डोंट हैव टू पुट ऑल द कोड फॉर अ नेम स्पेस इन वन प्लेस, दैट टाइम यू कैन यूज दिस थिंग एंड दैट इज नथिंग बट योर नेम स्पेसेस आर ओपन वाला कॉन्टेंट. तो आई होप समझ में आ गया होगा, इतना ज्यादा डिटेल में कोई भी नहीं बताएगा आपको नेम स्पेस के बारे में. दे विल बेसिकली टेल यू अबाउट वॉट अबाउट, देखो यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर दोनों जगह ये चीज यूज करी है. सो ओके, सो आपको समझ में आ गया होगा, देखो नेस्टेड, यूजिंग, ग्लोबल, स्टैंडर्ड, नेम स्पेसेस आर ओपन, दिस ऑल थिंग्स. सो दिस इज द मतलब इतना ज्यादा हमें इसमें टाइम नहीं देना था, बट स्टिल आई हैव एक्सप्लेन्ड यू दिस बिकॉज आई वांट कि आपका कोई भी कॉन्सेप्ट आगे के लिए भी मतलब रह न जाए. ठीक है, नाउ दिस इज द थिंग. चलो ऑब्जेक्ट के अंदर आ जाते हैं. ओके, ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्लासेस ये सब चीजें भाई बहुत बार पढ़ ली हमने, तो क्या है एग्जैक्टली इसको देख लेते हैं. ऑब्जेक्ट्स, इट इज एन एंटिटी दैट हैज स्टेट एंड बिहेवियर इज नोन एज एन ऑब्जेक्ट. फॉर एग्जाम्पल अ चेयर, पेन, टेबल, कीबोर्ड, बाइक एक्सेट्रा. यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट आप समझ लो, मे बी एनी ऑब्जेक्ट, लेकिन अगर आप क्या कर रहे हो उसका स्टेट एंड उसके बिहेवियर को मतलब उसकी आपको जानकारी है, उसकी इंफॉर्मेशन है, देन आप उसको कह सकते हो कि एक ऑब्जेक्ट है. चेयर ऑब्जेक्ट है, पेन एक ऑब्जेक्ट है, हम खुद एक ऑब्जेक्ट है, राइट. सो दिस इज द बेसिक थिंग व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट द ऑब्जेक्ट. ठीक है,
कुछ भी इसके अंदर डिफिकल्ट है अभी तक लगा है? बिल्कुल भी नहीं। इसके बाद देखो मैं आपको इसको पूरा पढ़ के बताती हूँ। इट कैन बी फिजिकल और लॉजिकल, ओके। एन ऑब्जेक्ट कैन बी डिफाइंड एज एन इंस्टेंस ऑफ क्लास। जैसे मैंने अभी आपको स्ट्रक्चर के टाइम पे इंस्टेंस बताया था, हम स्ट्रक्चर डिफाइन करके हम इंस्टेंस बना के कैसे उस स्ट्रक्चर को यूज करते थे, है ना, वैसे ही होता है। क्लास हम वैसे ही करते हैं, क्लास को डिफाइन करते हैं एंड देन उसका इंस्टेंस ही क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। तो बेसिकली हम क्या बोलते हैं, इंस्टेंस नहीं बोलते हैं इन मेन लैंग्वेज, वी जस्ट कॉल इट क्या है, ये ऑब्जेक्ट है हमारी क्लास का, ठीक है। सिंपली आप ऑब्जेक्ट को कैसे डिफाइन करोगे, इट इज द इंस्टेंस ऑफ क्लास, नथिंग एल्स। एन ऑब्जेक्ट कंटेन्स एन एड्रेस एंड टेक्स अप सम स्पेस इन मेमोरी। ऑफ कोर्स ऑब्जेक्ट्स कैन कम्युनिकेट विदाउट नोइंग द डिटेल्स ऑफ ईच अदर एंड ऑल। तो चलो मैं आप क्या करती हूँ, मैं यस ऑब्जेक्ट्स है मैं आपको बता देती हूँ। देखो ये सारे ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं। क्लास है, क्लास क्या है, द ऑब्जेक्ट कैन बी मेड यूजर डिफाइंड डेटा टाइप विद द हेल्प ऑफ क्लास। यानी जो ऑब्जेक्ट आपने बनाया है उसको आप यूजर डिफाइंड बना सकते हो बाय यूजिंग द क्लास। क्लास के अंदर क्या लिख सकते हो आप, अलग अलग प्रॉपर्टीज लिख सकते हो, अलग अलग आप जो भी डेटा मेंबर्स चाहो वो क्रिएट कर सकते हो, एंड जो भी आपको करना है पर्टिकुलर कोड के अंदर वो क्लास के अंदर डिफाइन कर सकते हो, एंड आप उसको क्या कर सकते हो, अलग अलग ऑब्जेक्ट्स के लिए यूज कर सकते हो, एंड दैट कोड विल दैट थिंग विल मेक योर कोड वेरी सिंपल, ठीक है। तो यहाँ पर क्लास का डेफिनेशन देख लो, क्लास इज अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स दैट हैव आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज, कॉमन बिहेवियर एंड शेयर्ड रिलेशनशिप, ठीक है। आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज होती है, अगर आप क्लास एक स्टूडेंट का बना रहे हो तो उसके अंदर क्या होना चाहिए, स्टूडेंट की सारी प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। प्रिंसिपल की प्रॉपर्टी आएंगी क्या, बिल्कुल भी नहीं आएंगी। स्टूडेंट की क्लास है तो स्टूडेंट के अंदर स्टूडेंट का नाम आ सकता है, स्टूडेंट का रोल नंबर आ सकता है, स्टूडेंट का क्लास, स्टूडेंट का डिवीजन, स्टूडेंट का सब्जेक्ट, जो भी है ये सब स्टूडेंट रिलेटेड आएंगे। सो दैट इज व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू स्पेसिफाई दैट इट इज फॉर आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज। कॉमन बिहेवियर होना चाहिए, ऑफकोर्स हम एक स्टूडेंट की बात कर रहे हैं तो कॉमन बिहेवियर की ही बात हो रही है, एंड अ शेयर्ड रिलेशनशिप। शेयर्ड रिलेशनशिप, सपोज हमने स्टूडेंट एक क्लास बना दी एंड नाउ आई एम डूइंग दैट फॉर कंप्लीट एसी डिपार्टमेंट। सो अगर मेरा कंप्यूटर डिपार्टमेंट है एसी डिवीजन ए, मे बी डिवीजन बी, सो आई कैन यूज दैट पर्टिकुलर क्लास फॉर ऑल ऑफ द स्टूडेंट, मे बी 80, 90, 100 ऑफ द स्टूडेंट्स इन पर्टिकुलर डिवीजन। So that is called as your shared relationship. Once class is defined, any number of objects of that class is created. That is why this class is very important in your programming. ठीक है, एक बार आप उसको डिफाइन कर दो, मेनी नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स यू कैन मेक बाय यूजिंग दैट पर्टिकुलर क्लास। यानी एक ही कोड को आपको बार बार लिखना नहीं पड़ेगा। सपोज आपने एक क्लास बनाई है एंड सपोज आपके पास एक ऑब्जेक्ट है स्टूडेंट, स्टूडेंट का नाम है मे बी एनीथिंग एबीसी। सो उस एबीसी स्टूडेंट का आपने नेम स्टोर किया, रोल नंबर स्टोर किया, आपने वेरिएबल्स डिक्लेयर किए। अब आपको दूसरे रोल नंबर 2 है एंड दैट मीन्स कोई भी लाइक एक्स वाई जेड, तो उसका आपने नेम रोल नंबर अगेन आपने वेरिएबल बना दिया, लेकिन आप देख रहे हो स्टूडेंट की लिस्ट इज मोर देन 100, तो क्या आप वही कोड लिखोगे, वही बार बार नेम को डिक्लेयर करोगे, वही बार बार वेरिएबल बनाओगे? बिल्कुल भी नहीं। यू जस्ट हैव टू डिक्लेयर अ क्लास एंड देन यू हैव टू कॉल ईच नेम ऑफ दैट एज एन ऑब्जेक्ट एंड यू कैन यूज इट। सो दैट इज द थिंग। सो देखो यहाँ पर वंस क्लास इज डिफाइंड एनी नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऑफ दैट क्लास इज क्रिएटेड, क्लासेस आर यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स, अ क्लास कैन होल्ड बोथ डेटा एंड फंक्शंस। फॉर एग्जांपल प्लैनेट्स, सन, मून आर मेंबर्स ऑफ योर सोलर सिस्टम। तो एक सिंपल एग्जांपल है एंड देखो ये एक सिंटैक्स होता है, क्लास कीवर्ड है, ये यूजर डिफाइंड नेम है, जो भी आप क्लास का नाम रखना चाहो वो ऐसा होता है। बेसिकली हम कैपिटल लेटर से स्टार्ट करते हैं बट आप कैसे भी कर सकते हो। इसके अंदर होता है एक्सेस स्पेसिफायर। एक्सेस स्पेसिफायर क्या होते हैं, प्राइवेट, पब्लिक, प्रोटेक्टेड, ये सब एक्सेस स्पेसिफायर होते हैं। देन डेटा मेंबर्स, यानी कि जो भी वेरिएबल्स आपको यूज करने हैं। देन मेंबर फंक्शंस, ओके मेंबर फंक्शंस क्या होते हैं, मेथड्स टू एक्सेस डेटा मेंबर्स और क्लास नेम एंड्स विद अ सेमी कोलन। ऑफ कोर्स ये चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये जो सेमी कोलन है इट इज द मेन रीजन ऑफ 99% ऑफ एरर्स कमिंग इन आवर लाइफ। सो हमेशा याद रखना, क्लास जो है, क्लास का जो आपका कर्ली ब्रेस है, तो क्लास का जो कर्ली ब्रेस है उसके बाद में आपको सेमीकोलन देना होता है। तो दैट इज इंपॉर्टेंट थिंग। एक एग्जांपल है जिसमें देखो क्लास को हमने क्लास कीवर्ड यूज करा है, कार क्या किया है हमने, कार वेरिएबल बनाया है, फिर आप ऐसा कह सकते हो क्लास का नाम बनाया है, ठीक है। एंड देन कर्ली ब्रेस के अंदर ये पब्लिक, पब्लिक क्या है आपका स्पेसिफायर है, ठीक है। प्राइवेट, प्राइवेट बेसिकली आपका बाय डिफॉल्ट होता है क्लास के अंदर। तो आपको हमेशा याद रखना, अगर आपको पब्लिक यानी कि क्या, आपको पूरे कोड में आप कभी भी ए को, यानी जैसे कि यहाँ पर ए है ना डिफाइन, हमने पब्लिक में ए को किया हुआ है, तो आप उसको
पूरे कोड में कहीं भी यूज कर सकते हो। अगर प्राइवेट है तो सिर्फ आप क्या कर सकते हो, क्लास के अंदर ही यूज कर सकते हो। प्रोटेक्टेड है तो आप क्या कर सकते हो, मतलब उसकी क्या स्पेशलिटी है कि बाय मतलब कुछ तो उसका कंटेंट होता है जो कि आपको देन लिख के देन आप उसको यूज कर सकते हो। दैट इज ऑल द थिंग, आपको मैं एक्सप्लेन करूंगी, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड क्या है स्पेसिफाई। तो ये जो पब्लिक है, दिस इज बेसिकली यूज टू एक्सेस दैट पर्टिकुलर वेरिएबल और नेम थ्रू आउट द कोड। देन यहाँ पर वॉइड क्या है, ये हमने एक फंक्शन बनाया है इंजन एंड देन उसकी बॉडी है। सो दिस इज अ वेरी बेसिक एग्जांपल ऑफ अ क्लास। देन डेटा मेंबर्स, तो मैं अभी आपको ये सब एक साथ इसलिए बता रही हूँ क्योंकि हम एक ही कोड के अंदर इनको समझेंगे। अगर मैं क्लास का भी कोड लिखूंगी तो उसके अंदर ऑब्जेक्ट भी आएगा, डेटा मेंबर्स भी आएगा। ऑब्जेक्ट का लिखूंगे तो उसमें क्लास भी आएगा, डेटा मेंबर्स, एंड डेटा मेंबर्स का लिखूंगे तो ऑफकोर्स क्लास एंड ऑब्जेक्ट आएंगे। इसलिए मैं इन तीनों को एक्सप्लेन कर देती हूँ एंड देन एक पर्टिकुलर कोड के अंदर इन तीनों को वाइंड अप कर देंगे, ठीक है। तो डेटा मेंबर्स क्या होते हैं, देखो यहाँ पर ये जो आपने देखा, ये ए, ये तो चलो मेंबर फंक्शन है, ये क्या है, डेटा मेंबर है ना। क्या है ये, वेरिएबल्स विच आर डिक्लेयर्ड इनसाइड द क्लास। बहुत ज्यादा सिंपल रखो और एक कॉन्सेप्ट को, अगर आपको कहीं भी डाउट आ रहा है प्लीज गो एंड कमेंट इट, आई विल एक्सप्लेन यू इन वेरी डिटेल। अगर फिर भी नहीं समझ में आ रहा है आई विल मेक अप अ शॉर्ट वीडियो और शॉर्ट ऑन दैट, ओके। सो प्लीज आप मुझे बता देना, अदरवाइज आई एम एक्सप्लेनिंग यू इन वेरी वेरी डीप वे। डेटा मेंबर्स एक बेसिकली क्या है, दैट विच आर डिक्लेयर्ड इन एनी क्लास बाय यूजिंग एनी फंडामेंटल डेटा टाइप, जैसे कि इंट हो गया, कैरेक्टर हो गया। ऑफकोर्स यहाँ पर देखो इंट के साथ हमने यूज किया था, है ना, इंट के साथ हमने यूज किया था। सो यही होते हैं डेटा मेंबर्स, और डिराइव्ड डेटा टाइप के अंदर भी हम इनको यूज कर सकते हैं। सो दीज आर बेसिकली डेटा मेंबर्स, प्राइवेट पब्लिक जैसे मैंने अभी आपको बताया था, यही क्या होते हैं, ये डेटा मेंबर्स भी होते हैं। यही फंक्शनैलिटी कायम होती है स्पेसिफायर्स के अंदर होती है। तो ये स्पेसिफायर्स क्या है, सेम ही चीज है, ठीक है, कोई अलग चीज नहीं है। प्राइवेट मेंबर्स, पब्लिक मेंबर्स, तो प्राइवेट के अंदर क्या होता है, देखो मेंबर्स विच आर डिक्लेयर्ड इन अ प्राइवेट सेक्शन ऑफ द क्लास। आपको सिर्फ जैसे यहाँ पर ये पब्लिक लिखा है, इसकी जगह सिर्फ प्राइवेट लिखना होता है एंड कोलन देना होता है, ठीक है। तो अगर आपने ऐसा किया है तो दीज आर नोन एज प्राइवेट मेंबर्स। ऑफ कोर्स जिसके अंदर आप प्राइवेट एक्सेस मॉडिफायर यूज करते हो। प्राइवेट मेंबर्स कैन आल्सो बी एक्सेसिबल विद इन द सेम क्लास इन विच दे आर डिक्लेयर्ड। तो दे आर ओनली एक्सेसिबल इनसाइड द क्लास ओनली, क्योंकि वो प्राइवेट है, ठीक है। ये सब चीजें हम प्राइवेट पब्लिक क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमेशा हर चीज को पब्लिक करना जरूरी नहीं है। सपोज यू आर सपोज आपके पास क्या है, आपने एक बैंक का क्लास बनाया एंड उसके अंदर आपने नाम ले लिया पब्लिक, आपने सपोज अकाउंट नंबर तक पब्लिक ले लिया, लेकिन आपका जो पास ये ऑफकोर्स जो यूजर का आईडी होती है एंड आप क्या कहते हो उसको, बैलेंस वगैरह, ये सब चीजें तो आप पब्लिक नहीं कर सकते, है ना। सो दैट मस्ट बी इन प्राइवेट सेक्शन। सो फॉर दैट पर्पस कि डेटा हाइडिंग वगैरह के लिए प्राइवेट यूज किया जाता है। पब्लिक क्या है, पब्लिक सेक्शन ऑफ द क्लासेस, ऑफकोर्स आपको पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर यूज करना पड़ता है। पब्लिक मेंबर्स कैन एक्सेस विद इन द क्लास एंड आउटसाइड ऑफ द क्लास बाय यूजिंग द ऑब्जेक्ट नेम ऑफ द क्लास इन विच दे आर डिक्लेयर्ड। सिंटैक्स ऑफ डेटा मेंबर देखो यही है, क्लास बनाया हमने, प्राइवेट के अंदर हमने इंटेक्स रखा, यानी कि जो एक्स एक्स क्या है, आपका डेटा मेंबर है, ठीक है, जो कि इंट इंट वाले आपके डेटा टाइप के अंदर प्रेजेंट है। एंड पब्लिक स्पेसिफायर यानी कि, तो ये पूरा क्या हो गया, देखो ये हो गया प्राइवेट मेंबर, है ना। अब ये पब्लिक स्पेसिफायर के बाद में लिखा है फ्लोट है, फ्लोट क्या है, आपका डेटा टाइप है। एफ क्या है, आपका डेटा मेंबर हो गया, एंड ये पूरा आपका क्या हो गया, पब्लिक डेटा मेंबर हो गया। समझ में आ गया सिंटैक्स इसका। अब चलो इसके बाद मेथड वगैरह है, तो बेसिकली आपको आई होप ऑब्जेक्ट क्लास एंड डेटा मेंबर्स ये तो समझ में आ ही गए होंगे, इसकी बेसिकली नॉलेज सबको होती है। तो मैंने फिर भी थोड़ा ज्यादा एक्सप्लेन कर दिया इन सब के बारे में। नाउ लेट्स गो इन आवर विजुअल स्टूडियो कोड एंड लेट्स कोड, ओके, एक सेकेंड। यह सो आई विल मेक अप अ फाइल ओवर हियर एंड आई विल नेम इट एज क्लास, क्लास ऑब्जेक्ट, और व्हाट वी आर एक्सप्लेनिंग हियर, डेटा मेंबर्स, ठीक है। तो डॉट सीपीपी, ओके। सो यहाँ पर आप सबसे पहले क्या लिख लो, सबसे पहले अपना बॉयलर प्लेट कोड लगा लो। एंड जैसे अब मैंने यहाँ पर यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी यूज कर लिया, तो मुझे बाद में एसटीडी देन स्कोप रेजोल्यूशन यूज करके हर सी आउट सीन के अंदर लिखने की जरूरत नहीं है। एट अ टाइम हमने इसको डिक्लेयर कर दिया, मेन फंक्शन डिक्लेयर कर दिया, रिटर्न जीरो कर दिया। नाउ कमिंग टू द कोड, ओके, अब हम क्या करेंगे, देखो हमेशा याद रखो जो क्लास है, जैसे कि स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर हम क्या करते हैं, मेन फंक्शन के बाहर डिक्लेयर करते हैं, वैसे ही क्लास को आपको मेन फंक्शन के बाहर डिक्लेयर करना पड़ता है। एंड हियर क्लास इज व्हाट योर
कीवर्ड, क्लास इज व्हाट योर कीवर्ड एंड आपको क्लास का नाम देना पड़ेगा। चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं कार का, ठीक है, कार का एग्जांपल ज्यादा इंटरेस्टेड लगेगा। एंड देन आपको कर्ली ब्रेसेस, एंड देन यहाँ पर हमेशा याद रखना सेमीकॉलन देना है, ठीक है, जो एरर आ रहा था वो हट गया फॉरन से। तो दिस इज द थिंग, याद रखना हमेशा ये सारी छोटी चीजें ही आपके मार्क्स मतलब खराब कर देती है। कमिंग ईयर आपको सबसे पहले क्या करना होगा, आपको स्पेसिफायर यूज करना पड़ेगा। तो आई विल यूज हियर पब्लिक, ओके। सो ये पब्लिक क्या है, ये पब्लिक आपका है स्पेस सॉरी आपका स्पेसिफायर, ओके, पब्लिक स्पेसिफायर। तो यहाँ पर आप लिख लो इसको क्या है, ये स्पेसिफायर है ना, तो आप इसको हमेशा समझते हुए चलोगे। देन कमिंग ईयर स्पेसिफायर जो है, अब मुझे सब स्पेसिफायर के अंदर डिक्लेयर करने पड़ेंगे अपने डेटा मेंबर्स, है ना, डेटा मेंबर्स। तो सपोज मैं एक स्ट्रिंग ले लेती हूँ जिसके अंदर मैं ब्रांड ऑफ कार रख लिख लेती हूँ, ठीक है, ब्रांड, ब्रांड क्या है मेरा स्ट्रिंग, एंड देन ब्रांड क्या है मेरा ब्रांड, उसका मैंने नाम रख दिया जो भी मेरी स्ट्रिंग है। अब उसके बाद मैं ले लेती हूँ इंट ईयर, ठीक है, इंट ईयर। तो मैंने ये दो डेटा मेंबर्स को जो है डिक्लेयर कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर मैं लिख दूँ, यहाँ पर स्ट्रिंग जो है वो क्या है, डेटा मेंबर है, ओके, डेटा मेंबर है। वैसे ही यही चीज को मैं, जाने दो, कॉपी करने से अच्छा ही लिखी देती हूँ। यहाँ पर ईयर जो है, ईयर क्या है आपका, डेटा मेंबर है, ओके। सो दिस इज द थिंग, एंड यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा ये क्लास है। एंड नाउ कमिंग, अब ये जो है क्लास का काम हो गया, छोटी सी क्लास हमने डिक्लेयर करी है। एंड अब यहाँ पर मेन फंक्शन के अंदर आपका काम होता है क्लास जो भी आपने बनाई है उसके ऑब्जेक्ट्स बनाना, एंड वट एवर आपको काम करना है वो मेन फंक्शन के अंदर कर सकते हो। बेसिकली दो डेफिनेशन याद रखना क्लास और ऑब्जेक्ट्स के हिसाब से। क्लास को हमेशा बोलना इट इज अ ब्लू प्रिंट फॉर ऑब्जेक्ट, एंड ऑब्जेक्ट को हमेशा बोलना इट इज द इंस्टेंस ऑफ क्लास। आई रिपीट माई सेल्फ, क्लास इज अ ब्लू प्रिंट फॉर ऑब्जेक्ट एंड एन ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ क्लास, ठीक है। तो प्लीज इस चीज को याद रख लेना, नोट डाउन कर लेना। नाउ ये मेन फंक्शन में आ गए। अब सबसे पहले अगर आपको इस क्लास को एक्सेस करना है तो आपको क्या लिखना होगा, क्लास का नाम लिखना होगा। क्लास का नाम लिख दिया, उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट क्रिएट करनी होगी। ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए आपको कोई भी आप नाम ले सकते हो जो कि आपका ऑब्जेक्ट हो। सपोज मैं यहाँ पर लिख देती हूँ माई कार। माई कार मैंने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट को क्रिएट किया, ठीक है। अब मैं क्या करूंगी, अब मैं ऊपर जो मैंने लिखा है ना, मैं उसको एक्सेस करूंगी। तो उसको एक्सेस करने के लिए सबसे पहले मुझे लिखना होता है मेरे ऑब्जेक्ट का नाम, उसके बाद आपको डॉट देना होता है, एंड देन आपने जो पहले क्या है आपका ब्रांड है ना, तो उसको आपको यहाँ पे लिख देना, एंड इक्वल टू करके आपको उसके अंदर वैल्यू असाइन कर देनी है। समझ में आ गया क्या सिंटैक्स है, समझ लो। सपोज मैंने यहाँ पर लिखा टोयोटा, ठीक है, टोयोटा, देन ये क्या कर दिया, मैंने वैल्यू असाइन कर दी, ठीक है। एंड अब इसके बाद क्या कर लेते हैं, इसके बाद मैं ईयर भी लिख देती हूँ। तो ऐसे ही लिखना है हमेशा, ये माई कार हो गया है ना, माई कार क्या है मेरा ऑब्जेक्ट का नाम डॉट, एंड देन ईयर क्या है, ईयर है मेरा ऑफकोर्स डेटा मेंबर इक्वल टू, अब मैं डेटा मेंबर के अंदर वैल्यू असाइन करती हूँ, सपोज 2020 लिख दिया, है ना। अब ये क्या हो गया, माई कार डॉट ईयर, ये भी डिफाइन हो गया, है ना। कुछ इसके अंदर डिफिकल्टी लग रही है अभी तक, बिल्कुल भी नहीं, हाँ। अब आगे बढ़ते हैं, कार का हो गया। अब इसके बाद आप क्या कर सकते हो, सी आउट कर सकते हो, है ना, सी आउट कर सकते हो। सी आउट कैसे करोगे आप, सी आउट, एंड इसको आप, आपको सपोज आपको ब्रांड एंड ईयर को डिस्प्ले करवाना है तो आप क्या लिखोगे, सी आउट में मैं लिख देती हूँ ब्रांड, है ना, ब्रांड, एंड देन ऐसे, एंड इसके बाद मैं कैसे लिखूंगी, देखो उसके बाद मैं सिर्फ ब्रांड लिखूंगी क्या, उसके बाद सिर्फ ब्रांड लिख के काम नहीं चलेगा डियर, इसके बाद सिर्फ ब्रांड लिख के काम नहीं चलेगा। वाई, बिकॉज सी, अब देखो मुझे यहाँ पर एक एरर आ रहा है, क्या ये देखो, वैल्यू ऑफ टाइप कॉन्स्टेंट कैरेक्टर कैनॉट बी असाइन टू एन एंटिटी ऑफ द टाइप इंट। क्यों ऐसा आ रहा है, क्योंकि देखो मैंने यहाँ पर इंटीजर ऊपर डिक्लेयर किया है, एंड इसको जो है मैंने स्ट्रिंग के अंदर लिख दिया है ना। अब देखो अब ये एरर चला जाएगा, ठीक है। सो दैट इज वॉट आई वॉज थिंकिंग अबाउट, यहाँ पर एरर क्यों आ रहा है। तो चलिए एरर चला गया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको ब्रांड लिखवानी है, तो आप कैसे लिखोगे, पहले ऑब्जेक्ट नेम देन ब्रांड, ठीक है, जैसे कि आपने असाइन करते टाइम लिखा था वैसे ही आपको लिखना है, देन यू कैन यूज हैंडल फॉर कमिंग टू द नेक्स्ट लाइन, ठीक है, समझ में आ गया ना इतना। अब वैसे ही आप क्या कर सकते हो, आप ईयर जो है वो लिख सकते हो, एंड बस इतने ही एग्जांपल में आपका क्लास, आपका ऑब्जेक्ट, आपका डेटा मेंबर तीनों के तीनों क्लियर हो जाएंगे। अभी मैं आपको बताऊंगी, देखो ईयर मैंने यहाँ पे लिख दिया ईयर,
एंड कोलन दे दो एंड यहाँ पर आपको सेम चीज लिखनी है क्या, माई कार डॉट आपको लिख देना है ईयर एंड देन यू कैन गिव एंडल टू कम ऑन द नेक्स्ट लाइन, यहाँ पर आना चाहिए ये, ठीक है। बस इससे ज्यादा ही और क्या ही लिखोगे आप, है ना। सो दिस इज द ओनली थिंग विच यू हैव टू राइट एंड जब मैं इसको रन करूंगी तो आपको नजर आ जाएगा क्या, आपको ब्रांड नजर आ जाएगी व्हाट आई हैव डिक्लेयर्ड एंड आपको ईयर नजर आ जाएगा। तो देखो मैंने इसको रन किया एंड देख लो क्या आ गया, ब्रांड टोयोटा एंड ईयर 2022। समझ में आ गया कि ऑब्जेक्ट और क्लास को यूज कैसे करते हैं। ऑब्जेक्ट की जो प्रॉपर्टी थी वो हमने क्लास की जो प्रॉपर्टी थी वो हमने ऑब्जेक्ट के अंदर यूज कर ली, ठीक है। अब देखो यही पूरी चीज अगर मैं कॉपी करूं एंड मैं यहाँ पर नीचे, ठीक है, नीचे सेम चीज को पेस्ट कर दूं एंड यहाँ पर अब जो है माई कार टू ऐसा लिख दूं, ठीक है, माई कार टू एंड यहाँ पर मैं क्या कर लूं, सपोज मैं यहाँ पर लिख दूं मर्सिडीज, ठीक है, मर्सिडीज, जस्ट आई एम टेकिंग रैंडम नेम्स एंड यहाँ पर मैं लिख दूं 2025, ओके, एनीथिंग। एंड यहाँ पर अब मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर जो है अब मैंने इसको सी आउट किया तो यहाँ पर मुझे टू लिखना जरूरी है। तो देखो मेरे पास रिजल्ट क्या आता है, देखो क्या है, अच्छा मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, मर्सिडीज डॉट, अच्छा देखो यहाँ पर मैंने नहीं किया कार टू एंड कार टू, ठीक है, यहाँ पर भी ऑब्जेक्ट के अंदर भी आपको नाम को स्पेसिफाई करना चाहिए, ठीक है। एंड नाउ आई गॉट द आंसर, यानी कि सिर्फ एक ही चीज था, मुझे बार बार वही स्ट्रिंग वही इंट वही सब चीज लिखने की जरूरत नहीं है एंड दैट्स हाउ योर क्लास योर ऑब्जेक्ट्स वर्क, ठीक है। अब देखो मैंने तीन चीजें क्या बताई, यहाँ पर ये क्लास है एंड ये पूरी चीज क्या है, यहाँ तक ये आपका है क्लास, ठीक है, क्लास है ये पूरा का पूरा, समझ में आ गया। एंड देन आई डोंट नो यहाँ पर क्या हो गया है अभी, हाँ कार एंड यहाँ पर आपको यहाँ पर लिखना है माई कार, है ना, यही तो हुआ है, क्या हो गया यहाँ पर, ओके अंडरस्टूड, क्लास जो है वो उड़ गया मुझसे, क्लास, ओके, सो दैट्स ऑल परफेक्ट नाउ। तो ये पूरी क्लास हो गई एंड मेन फंक्शन के अंदर ये क्लास का हमने ऑब्जेक्ट जो है वो यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया, तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ क्या, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट एंड देन यहाँ पर ये क्या डेटा मेंबर्स हो गए, हो गई तीनों की बात, इसीलिए मैंने क्या किया, सबको एक ही बार में मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी थ्योरी एंड दिस इज द परफेक्ट एग्जांपल विच यू कैन गिव फॉर योर क्लास ऑब्जेक्ट डेटा मेंबर व्हाटएवर यू वांट, ओके। सो यही आज मैं इतना ही पढ़ाऊंगी, ज्यादा आपको डीप में नहीं जाऊंगी, आज के जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे वो मैंने आज आपको बता दिए, क्लास ऑब्जेक्ट क्या कहते हैं और डेटा मेंबर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थिंग है, ठीक है, बेसिक्स है आपके ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के एंड दैट्स ऑल फॉर द डे। ये सारे नोट्स सारी सब चीजें आपको नोट्स चैनल पे मिलेंगे, तो आई एम रिक्वेस्टिंग यू टू ज्वाइन दैट गूगल फॉर्म, आपको फिल करना होगा जो कि नीचे लिंक है आप डिस्क्रिप्शन के अंदर, उसको फिल करो, सारा प्रोसीजर करो एंड ऑन द स्पॉट आपको उस चैनल के अंदर ऐड कर लिया जाएगा, जस्ट जैसे ही आप ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट दे दोगे उसमें आफ्टर फिलिंग द फॉर्म। सो प्लीज आप क्या कर लो, आप अपना ये जो भी आज का है मैंने आपको बताया, प्लीज इसको कोड करके देख लेना एंड इसके नोट्स वगैरह तो आपको मिल ही जाएंगे, सो दैट्स ऑल, आपको ज्यादा करने की कोई जरूरत ही नहीं है, डोंट बी स्ट्रेस अबाउट एनी ऑफ द सब्जेक्ट, आपका अगर सपोर्ट रहेगा तो मेरा सपोर्ट डेफिनेटली आपके साथ रहेगा ही, सो दैट्स ऑल and keep supporting, keep sharing this channel with your friends and keep liking the sessions if you are understanding any of the single stuff, if you are liking it and you are understanding it then please go and hit the like button and that's all for the day and अच्छे से practice करते रहना and coming with more parts of this video, क्योंकि धीरे धीरे लेके चल रहे हो, oops जो है थोड़ा सा difficult and confusing हो जाता है, so I'm taking it slowly, okay, तो प्लीज डोंट बी लाइक कि क्यों इतना टाइम लग रहा है, आप अगर मेरे साथ रोज रोज भी पढ़ोगे बहुत इजीली आपका सब कवर हो जाएगा एंड सिट स्टिल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस एंड प्लीज गो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल इफ यू हैवंट सब्सक्राइब टिल नाउ, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।